रविवार को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसने देश के 17 राज्यों में रहने वाले लगभग 7 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी को अपना शिकार बना रखा है। बड़ी आबादी को बीमारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर आदिवासी परंपरा के साथ पीएम मोदी का स्वागत होना है। शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के आगाज की तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। इस मिशन के तहत 2047 तक देश को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से मुक्त करने का टारगेट है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसने देश के 17 राज्यों में रहने वाले लगभग 7 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को अपना शिकार बना रखा है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि माता पिता से बच्चों में आसानी से हो सकती है। इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स सही से काम नहीं कर पाती और पूरे शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिस वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को समाप्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन मील का पत्थर साबित होगा। शेड्यूल में पीएम मोदी इस अहम मिशन की शुरुआत करने वाले हैं, इसके लिए बड़ी तैयारियां भी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संस्कृति की झलक भी दिखेंगे। शेड्यूल के पकड़िया गांव में पीएम मोदी ठेठ देसी अंदाज में खटिया चौपाल लगाएंगे। पीएम मोदी का स्वागत बैगा आदिवासी नृत्य के साथ किया जाएगा। पीएम यहां आदिवासी ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से भोजन भी करेंगे। पकड़िया गांव में पीएम मोदी की चौपाल लगेगी। आम के पेड़ के नीचे पीएम मोदी देसी अंदाज में आदिवासी स्वयं सहायता समूह पेसा एक्ट समिति के सदस्यों, फुटबॉल क्रांति अभियान के सदस्यों से चर्चा भी करेंगे। केंद्रीय बजट 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। ये मिशन अलग अलग राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। शहडोल से सौरभ पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, News18 भोपाल। मॉनसून आ गया।